I am Gagandi, again here to teach you poem number 3. But before starting the poem, I request you, please like my videos, share my videos and subscribe my videos. And please don't forget to tap the bell icon so that you can get the latest notifications. And also comment in the comment section. Thank you. Let us start our poem number 3. Poem number 3 is Keeping Quiet. And this poem is written by Pablo Neruda. First question जो frequently पूछा जाता है, name the poet and name the poem. थोड़ा अगर correlation होता है, तो it becomes easier for us to remember the name of the poem and the name of the poet. So, keeping में P and Pablo में P. Keeping Pablo. We can learn this name by this trick. Keeping and Pablo. Pablo Neruda जो है, he belongs to Chile. Chile से belong करते हैं. Chile एक country है South America में. हम Latin America भी कह सकते हैं उसको. And South America, both are the same thing. तो Chile से belong करते हैं. And ये Pablo Neruda जो है, ये इनका real name नहीं है. ये इनका pen name है. क्या है ये इनका? Pen name है. Pen name का मतलब होता है उपनाम. Pen name का मतलब क्या होता है? उपनाम. ये उपनाम से लिखते हैं. इनका जो असली नाम है, पेन नेम के लिए एक टर्म पहले बता देती हूँ, एक टर्म हम और यूज करते हैं, उसकी स्पेलिंग होती है सुडोनियम. सुडोनियम इसको हम पर नहीं बोलते, पसूडो नहीं बोलते, सुडोनियम. क्या बोलेंगे? सुडोनियम. इसका मतलब भी क्या होता है कि आप किसी और नाम से लिख रहे हो, आपका ओरिजिनल नाम ये नहीं है. इनका जो ओरिजिनल नेम है वो है नफ्ताली रिकार्डो रीस एंड बासो एल्टो. बासो एल्टो. हमें इतना लंबा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बता दिया एक बीच में आया तो, के रेफरेंस के लिए कि इनका नाम ये है. और ये बहुत अच्छी पोएम्स लिखते हैं, ब्यूटीफुल पोएम्स ही हैज रिटन. एंड सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बहुत एक ऐसा मीनिंग जो सबको छू जाए, जो सबको समझ में आए कि हाँ व्हाट द पोएट वांट्स टू से और व्हाट द पोएट वांट्स टू कन्वे अस. तो इजी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बहुत डीप मीनिंग के साथ इनकी पोएम्स होती हैं, बहुत गहरे मीनिंग लिए हुए इनकी पोएम्स होती हैं. लेट अस स्टार्ट पोएम. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. जो पोएट है पाब्लो नेरुदा, ही सेज कि अब हम क्या करेंगे, वी विल काउंट टू 12. हम कहां तक गिनेंगे? वी विल काउंट अप टू 12. एंड हमने उस जब हम गिनेंगे 12, तो उसके बाद हमने क्या करना है, वी विल ऑल कीप स्टिल. हम सब बिल्कुल स्टिल रहेंगे. स्टिल का मतलब होता है विदाउट एनी मूवमेंट. हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे, क्वाइट हो जाएंगे. इसका मीनिंग क्या होता है स्टिल का? क्वाइट, चुप, जैसे कि पोयम में है. स्टिल मीन्स क्वाइट. या हम ये कह सकते हैं विदाउट एनी मूवमेंट. दिस इज नॉट मूवमेंट, दिस इज मोमेंट. मूवमेंट इसमें भी आया है. तो कहता है पोएट कि हम बिल्कुल शांत रहेंगे सारे, हम कुछ नहीं बोलेंगे. तो उसके बाद यहां 12 से क्या मीनिंग है पोएट का? 12 तो बहुत छोटा, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. बट यहां जो पोएट 12 का के लिए यूज करता है, देयर आर 12 पॉइंट्स इन अ क्लॉक. इन अ क्लॉक, एक घड़ी में कितने पॉइंट्स होते हैं? 12 होते हैं. 12 उसमें पॉइंट बने होते हैं ना, 1 2 3 4, ऐसे घड़ी चलती रहती है. सेम 12 मंथ्स होते हैं किसमें? एक ईयर में. 12 मंथ्स भी होते हैं इन अ ईयर, एक साल में 12 महीने भी होते हैं. तो पॉइंट हमें कहता है कि वो सिर्फ एक वो एक हमें नॉमिनल सा एक टाइम देता है, एक पीरियड देता है कि इतने टाइम तक हमने चुप रहना है. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. फेस ऑफ द अर्थ, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. ऑन द फेस ऑफ द अर्थ का मीनिंग है कि वेरियस कंट्रीज. इसका क्या मीनिंग है?
वेरियस कंट्रीज ऑन दिस अर्थ, जो इस धरती पर बहुत सारे देश हैं, वेरियस कंट्रीज ऑन दिस अर्थ, जो इस धरती पर इतने सारे देश हैं, उन्होंने लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। तो पॉइंट उन सब देशों से, उन सब देश में रहने वाले लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, आओ हम किसी भी भाषा में बात नहीं करते हैं। किसी भी भाषा में बात नहीं करने का मतलब क्या है कि सब कंट्रीज की अपनी लैंग्वेज है, सब कंट्रीज का अपना काम करने का तरीका है, अपना एक अलग सिस्टम है, तो हम किसी भी देश की लैंग्वेज को, लैंग्वेज में बात ना करें। मतलब वी विल हैव टू कीप स्टिल, वी विल हैव टू कीप मम, हमें वी विल हैव टू कीप क्वाइट, हमें चुप रहना है। लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड, हम एक सेकेंड के लिए पूरी दुनिया चुप हो जाए, सब लोग शांत हो जाए, पीस सब में आ जाए, एक स्टिलनेस आ जाए, एक क्वाइटनेस आ जाए, एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, और हम अपने हाथों को इतना ज्यादा ना हिलाएं। तो हाथों को हम कब हिलाते हैं, जब हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, जब हम फाइट करते हैं, जब हम एक दूसरे पे अटैक करते हैं, जब हम एक्टिव होते हैं। एक्टिव यहाँ एक्टिवनेस है नेगेटिव सेंस में। पोइट कहता है कि हम अपने आर्म्स को बिल्कुल शांत रखें, शांति से हम बैठे रहें पीसफुली। मतलब हम कोई एक्सक्यूज ना ढूंढे हमारे आर्म्स को हिलाने का, हम फाइट करने का, लड़ाई करने का किसी से। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। तो पोइट कहता है जब ये सब हो जाएगा, वी विल कीप स्टिल, तो क्या होगा कि एक्सोटिक मूवमेंट आ जाएगा। एक्सोटिक, एक्सोटिक का मीनिंग होता है स्ट्रेंज, स्ट्रेंज या यूनिक, और ये भी कह सकते हैं कि मार्वलस, मार्वलस, बहुत शानदार, बहुत स्ट्रेंज सा मूवमेंट होगा ये। ये मूवमेंट है पल, अक्षण, एंड ये होता है मूवमेंट, हलचल। इसकी स्पेलिंग और इसकी स्पेलिंग और इन दोनों की प्रोनंसिएशन स्लाइट वेरी करती है। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, तो सब जब शांत हो जाएगा, क्राउड नहीं होगा, रश नहीं होगा। रश के दो मीनिंग होते हैं, रश मीन्स दौड़ना भी होता है और रश मीन्स क्राउड भी होता है। यहाँ पर रश का मीनिंग है क्राउड। तो पॉइंट कहता है कि कोई क्राउड नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, इंजन्स किसके होते हैं, गाड़ियों के होते हैं, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो ट्रेन है, चाहे वो प्लेन है, हर व्हीकल का एक इंजन है। तो जब व्हीकल नहीं दौड़ेंगे तो क्या होगा, पीस, देयर विल बी पीस एंड पीस ओनली, सिर्फ शांति होगी। वी वुड ऑल बी टूगेदर, हम सब एक साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस का मीनिंग है कि हम सब एक दूसरे को नहीं जानते हैं। देयर आर अप्रोक्स 195 कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड, 195 देश हैं लगभग दुनिया में, और सब एक दूसरे को तो नहीं जानते। तो आपस में जब हम सब शांत हो जाएंगे तो एक स्ट्रेंजनेस, एक यूनिक एटमोस्फियर बन जाएगा, एक यूनिक एनवायरमेंट बन जाएगा हमारे चारों तरफ। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, अब फिशरमैन कौन होते हैं, जो मछलियां पकड़ते हैं, मछुआरे। फिशरमैन कौन होते हैं, मछुआरे, जो मछलियां पकड़ते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, कोल्ड सी में जाके जब शांत हो जाता है समुद्र, तो वो मछलियां पकड़ते हैं। वुड नॉट हार्म व्हेल्स, व्हेल्स क्या, अ टाइप ऑफ फिश, एक तरह की मछली, व्हेल्स को नहीं पकड़ेंगे। जब सब शांत हो जाएगा तो जो फिशरमैन है वो व्हेल्स को नहीं पकड़ेंगे, मतलब वो वायलेंस नहीं करेंगे। यहाँ व्हेल्स को पकड़ने का क्या मतलब है कि उन्होंने, ऐसे नहीं कि उन्होंने जाके मछलियां नहीं पकड़नी, सिंबॉलिक मीनिंग है कि वो वायलेंस नहीं करेंगे किसी भी जानवर के प्रति, किसी भी एनिमल के प्रति, किसी भी मैन के प्रति, मैन के प्रति वो वायलेंस नहीं करेंगे, वो हिंसा नहीं करेंगे, वो शांति से बैठे रहेंगे एक जगह। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हार्ड हैंड्स, वो जो आदमी होता है वो क्या करता है, समुद्र में जाके समुद्र से साल्ट इकट्ठा करता है। साल्ट क्या, नमक, साल्ट इकट्ठा करता है ना जाके। तो जब आदमी साल्ट इकट्ठा करते हैं, जब जो लोग समुद्र में जाके या लेक्स में जाके साल्ट इकट्ठा करते हैं, तो उनके हाथ बिल्कुल ऐसे कट जाते हैं, लाइक ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा ऐसे क्रैक्स आ जाते हैं क्योंकि साल्ट हाथ को काटता है। तो क्या कहता है पोएट कि इस दौरान जब सब स्टिल है, जब हर चीज स्टिल है, तो क्या करेंगे, आदमी भी बैठ के अपने उन हाथों को देखेगा, मतलब वो अपना इंट्रोस्पेक्शन करेगा
कि उसके जीवन में जो तकलीफ है, जो दुख है, जो उसकी मिजरी है, जो लोनलीनेस है, जो प्रॉब्लम्स है, वो किस वजह से आई है। तो जो पोएट है वो ये कहना, इसमें सारा सिंबॉलिक पोएट बताता है कि वो कहता है कि हमें क्या करना है, हमें 12 गिन के 12 तक गिनना है, उसके बाद चुप हो जाना है। चुप का मतलब क्या है यहाँ पे, स्टिल का मतलब क्या है कि हमने क्या करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, आत्मविश्लेषण, हमने अपने अंदर सोचना है कि व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी विल हैव टू डू। हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे। हम मतलब आज हम आदमी बैठ के जब बैठेगा तो वो सोचेगा मैंने क्या किया, क्यों किया और उसका रीजन क्या था, उसका फिर रिजल्ट क्या रहा। तो पोएट कहता है कि हमने क्या करना है, हमने इंट्रोस्पेक्शन करना है। इस पोएम की थीम सिर्फ और सिर्फ यही है, इंट्रोस्पेक्शन पे बेस्ड है। ये नहीं कि हमने 12 गिनने और फिर हम चुप ऐसे बैठ गए और हम चुप बैठे हैं। चुप बैठने का मतलब क्या है, अंदर से सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी लाइफ में जो मिजरीज आई हैं वो किस वजह से आई हैं, जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो किस वजह से आई हैं, जो हम वायलेंस कर रहे हैं किसी के प्रति वो हम क्यों कर रहे हैं, या हम जो आर्म्स एक दूसरे के हाथ उठा रहे हैं वो क्यों उठा रहे हैं। तो इस तरह की बातें, और जब आदमी इंट्रोस्पेक्शन करेगा, जब वो शांत हो जाएगा तो क्या होगा, ना रश होगा ना इंजन्स होंगे, तो देयर विल बी पीस एंड प्रोस्पेरिटी। जब पीस आएगी तो प्रोस्पेरिटी आएगी। कौन सी वाले पीस की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, आई एम अगेन एंड अगेन आई एम स्पीकिंग पीस। पीस कौन सी पीस, तो एक ये भी होता है पीस और एक ये भी होता है पीस। इस पीस का मतलब क्या, टुकड़ा, और इस पीस का मतलब क्या, शांति। तो हमने कौन सी वाली पीस लानी है, ये वाली नहीं लानी है, ये वाली लानी है। जब ये वाली लाएंगे तो ये तो अपने आप ही आ जाएगी, जब शांति हो जाएगी तो सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। पोएट इसमें कहते हैं, जो पैब्लो नारुदा हैं वो कहते हैं कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो लोग तैयारी करते हैं किसकी, ग्रीन वॉर्स की। ग्रीन वॉर्स का मतलब क्या, वॉर अगेंस्ट एनवायरनमेंट, हमारा जो वातावरण है, हमारा जो पर्यावरण है उसके अगेंस्ट वॉर, मतलब मिसाइल से उसको खराब करना है, पर्यावरण को नष्ट करना है, जहरीली गैसें छोड़नी है, इस तरह से। एंड वॉर्स विद गैस, पॉइजनस गैस छोड़नी है, वॉर विद फायर या आग के साथ कोई युद्ध करना है। आग के साथ का मतलब क्या, टैंक से करना है, बॉम्ब फेंकना है, एटम बम, हाइड्रोजन बॉम्ब, इस तरह का। तो जो लोग इन वॉर्स की तैयारी करते हैं, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, तो क्या बचता है उनके पास, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है इस पोयम की। विक्ट्री तो होती है उनकी विद नो वॉर्स, वो जीत तो जाते हैं लेकिन नो सर्वाइवर्स, कोई बचता नहीं है। सर्वाइवर मतलब उसमें कोई सर्वाइव नहीं करता उन लड़ाइयों में, सब खत्म हो जाता है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, तो इन लोगों को क्या करना है, कि इनको पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, साफ कपड़े पहनने हैं, मतलब अपनी सोच को साफ करना है, अपने यहां से खुद को साफ करना है। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, उनको अपने भाइयों के साथ चलना है, मतलब अपनी सोसाइटी के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ उनको मिलकर चलना है। भाइयों के साथ का मतलब यहाँ आपकी सराउंडिंग से, उनको अपनी सराउंडिंग्स के साथ चलना है, ना कि उनको इन वॉर्स के लिए प्रिपरेशन करनी है, इन युद्धों की तैयारियां करनी है, ऐसा उनको नहीं करना है। उनको क्या करना है, क्लीन क्लोथ्स पहनने हैं और फिर उनको चलना है अपने भाइयों के साथ, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको चलना है। इन द शेड डूइंग नथिंग, शेड में, छाया में, छाया में क्या होता है, छाया में फिर से वही पीस होती है, तो शांति के साथ उनको चलना है, उनको कुछ नहीं करना है। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। अब पोएट है जो पैब्लो नेरुदा, वो कहते हैं कि जो मैं चाहता हूँ, 12 तक गिनना है, स्टिल रहना है, विदाउट एनी मूवमेंट रहना है, तो वो जो चीज है उसको कंफ्यूज नहीं करना, नॉट टू बी कंफ्यूज, उसको नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी।
मतलब टोटल एक तो होती है इनएक्टिविटी, स्टिल का मतलब क्या है, स्टिल मीन्स होता है इनएक्टिव, स्टिल का मतलब क्या होता है इनएक्टिव, और टोटल इनएक्टिविटी का मतलब है डेथ। लेकिन जब हम टोटल इनइक्वालिटी इनएक्टिविटी की बात करते हैं, टोटल इन एक्टिविटी, तो उसका मीनिंग हो जाता है डेथ। टोटल इनएक्टिविटी मीन्स डेथ। तो पॉइंट कहता है कि डेथ के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना, मतलब मर नहीं जाना है, मरने का मतलब उसको ऐसे नहीं कि सब कुछ छोड़ के बैठ जाना है, ऐसा नहीं करना है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। जीवन क्या है, जीवन वही है जो जीवन के बारे में हम सब देखते सुनते हैं, मतलब हमें लाइफ में रह के हर काम करना है, बट सबके साथ मिलकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने चलना है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। पोएट कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई ट्रक आए जिसमें डेथ हो। डेथ का ट्रक विद डेथ का मतलब है अगर वॉर होता है, अगर वॉर होता है तो वॉर के बाद जो शहीद होते हैं उनकी किसमें लेके आते हैं, उनकी बॉडीज को ट्रक में लेके आते हैं। तो पोएट कहता है कि जितने भी लोग युद्धों में मरते हैं, शहीद होते हैं, लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं, कोई भी ट्रक ना आए उनकी बॉडीज को लेके। पोएट डज नॉट वॉन्ट टू सी एनी ट्रक्स ऑन द रोड्स विद डेड बॉडीज, विद द बॉडीज ऑफ द सोल्जर्स। इफ आई वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। पोएट कहता है कि इफ आई वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर मैं इतना सिंगल माइंडेड नहीं होता, सिंगल माइंडेड मतलब जो सिर्फ एक चीज के बारे में सोच रहा है, नहीं होता कि हमारे जीवन चलता रहना चाहिए, अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, हमारा जीवन चलता रहे, उसमें स्टिलनेस ना आए, उसमें स्टिलनेस किस वजह से ना आए, ऐसे नहीं कि बैठ जाना है, शांत होना है, कुछ नहीं करना है, अंदर से पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ऐसे नहीं करना। हमने ऊपर से शांत है तो अंदर से भी हमें शांत होके इंट्रोस्पेक्शन करना है, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। और पोएट कहता है ऐसा नहीं हो कि हम कुछ भी ना कर पाए, इतनी इनएक्टिविटी नहीं चाहिए, इतना टोटल इनएक्टिव नहीं होना है कि कुछ भी ना कर पाए, इतना होना है कि लाइफ चलती रहे व्हाट इट इज अबाउट, जिसके बारे में है जीवन, जैसा जीवन है वैसा वैसा चलता रहना चाहिए। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, इसको क्या बोलेंगे, ह्यूज, जी से यहाँ ज की साउंड आएगी, ग की नहीं आएगी, ज की आएगी। ह्यूज, ह्यूज मीन्स बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा। साइलेंस, साइलेंस मीन्स चुप्पी, साइलेंट बोलते हैं ना, कीप साइलेंट, चुप रहो, कीप क्वाइट, एक ही बात है। तो साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग विद डेथ। तो पोएट कहते हैं पाब्लो नेरुदा, ही वांट्स टू से कि जितना ज्यादा शांति होगी, बहुत ज्यादा शांति होगी, ह्यूज साइलेंस होगी, तो क्या होगा, उससे शायद, परहैप्स, शायद इंटरप्ट करे वो। इंटरप्ट करना मतलब बीच में अड़चन डालना, उसको रोकना, इंटरप्ट करे इस सैडनेस को। सैडनेस मीन्स उदासी को, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्व्स। उदासी किस वजह से आती है, व्हेन वी डोंट अंडरस्टैंड अवरसेल्व्स, जब हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते हैं, देन वी बिकम सैड। तो पोएट कहता है कि जो सैडनेस है, जो उदासी है, शायद इस साइलेंस की वजह से खत्म हो जाए, एंड ऑफ थ्रेटनिंग विद डेथ। और ये जो सैडनेस है, ये क्या लेके आती है, थ्रेटन, क्या लेके आती है, थ्रेटन, हमें वार्न करती है, किसके लिए, डेथ के लिए। अकेला आदमी क्या करेगा, जब आदमी किसी के साथ मिलके नहीं चलेगा, जब आदमी अंडरस्टैंडिंग से काम नहीं करेगा, तो क्या होगा, फाइनली डेथ, अपने आप में ही आदमी डिसअपॉइंटमेंट में डिसअपॉइंट हो जाएगा, तो क्या होगा, फाइनली अल्टीमेट डेथ। तो पॉइंट कहता है कि अगर ये सब होगा तो क्या, साइलेंस से शायद ये चीजें ना हो। परहैप्स अर्थ कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, शायद अर्थ हमें ये सिखा सके, अर्थ हमें सिखा सके कि व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर चीज हमें ऐसा लगता है कि तो डेड है, डेड मतलब इसमें फीलिंग्स ही नहीं है, इमोशंस नहीं है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। और शायद बाद में जब ये हो, जब ये वाली प्रैक्टिस हम करें, तो ये पता चले कि इट वॉज अलाइव, ये क्या थी, जिंदा थी, मतलब हमने इंट्रोस्पेक्शन किया, हमने ब्लडशेड को छोड़ा, हमने वॉर्स को छोड़ा, हमने लड़ाइयां खत्म करी, हम चुप हुए, हमने एक्सक्यूजेस बनाने खत्म किए, तो फाइनली क्या हुआ, हमने खुद को देखा,
हम अंदर से मर चुके थे, बट जब ये साइलेंस आया, जब हमने इंट्रोस्पेक्शन किया, देन वी केम टू नो कि वी वर अलाइव। जब हमने इंट्रोस्पेक्शन किया तो हमें पता चला कि हम अंदर से क्या हैं, अलाइव हैं। हमारे अंदर मोशंस, इमोशंस, एवरीथिंग वी हैव। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। पोइट कहते हैं कि अब मैं 12 तक गिनूंगा। 12 यहाँ पर क्या, एक क्लॉक के लिए भी हो सकते हैं, उसमें 12 पॉइंट्स, घड़ी में 12 अलग अलग डंडियां लगी होती हैं। एंड 12 मंथ्स भी होते हैं ईयर में, 12 महीने भी होते हैं एक साल में। तो पोएट कहता है कि अब मैं कितना गिनूंगा, आई काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट, आपने चुप रहना है, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स इस पोयम के, सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स। फर्स्ट तो इसमें आता है क्वाइट, क्वाइट, क्यू यू आई ई टी, क्वाइट। क्वाइट मीन्स शांत, स्टिल, ऐसे बोलते हैं कीप मम, चुप रहो, क्वाइट। एक होता है क्वाइट, सेम प्रोनंसिएशन सेम रहेगी, बट ये जो ई है ये पीछे चला जाएगा। इसको भी हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, क्वाइट। क्वाइट मीन्स बिल्कुल। इस क्वाइट का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल, क्वाइट अप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही, दिस इज क्वाइट। एक हम जनरली बहुत बार यूज करते हैं एक वर्ड, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं क्यूट, जो बहुत प्यारा होता है, जो बहुत सुंदर होता है, दैट इज क्यूट, यू आर सो क्यूट। तो दिस इज क्वाइट, क्वाइट एंड क्यूट। नेक्स्ट इसमें आता है एक्जोटिक, 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 एक्जोटिक का मतलब होता है स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, अजीब या यूनिक। यूनिक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, या मार्वलस भी कह सकते हैं, बहुत शानदार, मार्वलस। उसके बाद इसमें नेक्स्ट एक वर्ड बार बार रिपीट होता है, परहैप्स, परहैप्स, परहैप्स मीन्स शायद, परहैप्स मीन्स शायद, मे बी, मे बी। उसके बाद इसमें पॉइंट बार 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 कहता है पीस, पीस हमने लानी है, तो पीस, दिस पीस, पीई ए सी, पीई ए सी, पीस, पीस मीन्स शांति। एक पीस रोटी का टुकड़ा भी होता है, पीस, टुकड़ा, कोई भी टुकड़ा, पीस, पी आई ई सी, सेम उच्चारण रहता है, प्रोनंसिएशन सेम रहती है, दिस इज पीस, दिस इज पीस। इस पीस का मतलब शांति, इस पीस का मतलब टुकड़ा। उसके बाद इसमें पॉइंट याद, एक वर्ड बोलता है इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी मीन्स स्टिलनेस, शांति, इनएक्टिविटी मीन्स स्टिलनेस, शांति। तो ये कुछ वर्ड्स हैं इम्पोर्टेंट, जिनके बारे में पोएट बात करता है। अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार, कि इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं। तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो इसमें पोएट बात करता है वॉर्स, वॉर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉर्स हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस पोएम। तो इसमें कितने तरह के वॉर डिस्कस करे गए हैं, वन इज ग्रीन वॉर, ग्रीन वॉर, ग्रीन मतलब वॉर अगेंस्ट एनवायरनमेंट, पर्यावरण के खिलाफ वॉर। सेकेंड इसमें वॉर हुआ है वॉर विद गैस, पॉइजनस गैस का, जो जो जहरीली गैसें छोड़ दी जाती हैं उसको बोलते हैं, बायोकेमिकल वेपन्स छोड़ दिए, या कोई व्हाइट पाउडर जिसमें कोई केमिकल कंपाउंड है, कोई केमिकल ऐसा छोड़ दिया, दैट इज वॉर्स विद गैस। एंड थर्ड वन इज वॉर्स विद फायर, आग के साथ वॉर। तो थ्री टाइप्स ऑफ वॉर्स हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस पोएम। उसके बाद इसमें सेकेंड क्वेश्चन एक जो बनता है, वो बनता है कि व्हाट द पोएट वांट अस टू डू। एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि वो जनरली आपसे स्टैंजा में भी पूछ सकता है, वैसे ही पूछ सकता है, व्हाट द पोएट वांट अस टू डू,
तो पोएट हमसे क्या चाहता है, पोएट वॉन्ट अस टू, द पोएट वट डू द पोएट, वट डू द पोएट वॉन्ट अस टू डू, तो द पोएट वॉन्ट अस टू, द पोएट सॉरी वट डज द पोएट वॉन्ट अस टू डू, द पोएट वॉन्ट्स अस टू काउंट अप टू 12. उसका सेकेंड क्वेश्चन इसमें बनता है कि व्हाई डज द पोएट वॉन्ट अस टू कीप क्वाइट, व्हाई डज द पोएट वॉन्ट अस टू कीप क्वाइट, पोएट क्यों चाहता है कि हम चुप रहें, तो द पोएट क्यों चाहता है, ताकि पीस एंड प्रोस्पेरिटी बन सके और हम इंट्रोस्पेक्शन कर सके. द पोएट वॉन्ट्स अस टू डू इंट्रोस्पेक्शन, कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें खुद के लिए एंड देन हम उसके बाद उससे क्या होगा, पीस एंड प्रोस्पेरिटी होगी. अब पोएट कहता है कि व्हाट विल हैपन इफ देयर विल बी नो, द वर्ल्ड विल बी विदाउट रश एंड विदाउट इंजन्स, देन व्हाट विल हैपन, तो देयर विल बी पीस एंड प्रोस्पेरिटी. अगर रश नहीं होगा, इंजन्स नहीं होंगे, तो क्या होगा, पीस होगी, क्या होगा, पीस होगी और प्रोस्पेरिटी होगी, और क्या होगी, प्रोस्पेरिटी होगी. प्रोस्पेरिटी मीन्स समृद्धि, पीस मीन्स शांति. उसके बाद पोएट जो है वो ये कहता है कि एक इसमें बार बार एक टर्म यूज करता है, टोटल इनएक्टिविटी, टोटल इनएक्टिविटी. तो टोटल इनएक्टिविटी का इस पोयम में, इस पोयम के रेफरेंस में टोटल इनएक्टिविटी का मीनिंग है डेथ. टोटल इनएक्टिविटी मीन्स डेथ. तो इसका जो, इस पोयम की जो समरी है वो यही है कि पोएट नहीं चाहता कि हम वॉर्स करें, हम छोटी छोटी बातों पे एक्सक्यूजेस लेके वॉर्स करें, ब्लड शेड करें, उससे केओस हो, ट्रबल्स आए हमारी लाइफ में, प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि हम खुद बुलाएंगे उनको अगर ये सब चीजें होंगी तो. द पोएट वॉन्ट्स अस टू काउंट अप टू 12 एंड उस समय पे हमने क्या करना है, वी विल हैव टू रिमेन स्टिल, हमने शांत रहना है और हमने क्वाइट चुप रहकर इंट्रोस्पेक्शन करना है. ये वाला क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, क्वाइट रह के, चुप रह के हम क्या करेंगे, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करेंगे. हम अपने अंदर झांक के देखेंगे कि लाइफ, हम लाइफ में क्या कर रहे हैं, व्हाट वी विल हैव टू डू, हमें क्या करना होगा टू मेक अवर लाइफ बेटर, टू मेक अवर वर्ल्ड बेटर. थैंक यू, हैव अ नाइस.